नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी की खास खबरों में। उत्तर प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही वक्त में सूबे में चुनाव है। सभी सियासी दलों ने इस वक्त अपनी अपनी कमर कस ली है। जनसभाएं डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने चरम पर है। ऐसे में इस बार चुनाव किस प्रकार से होने जा रहे हैं, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। 10 फरवरी से शुरू होगा मतदान। पहले फेज का मतदान 10 फरवरी को, दूसरे फेज का मतदान 14 फरवरी को होने वाला है, तीसरे फेज का मतदान 20 फरवरी को होगा, चौथे फेज का मतदान 23 फरवरी को होगा, पांचवें फेज का मतदान 27 फरवरी को होगा, छठवें फेज का मतदान 3 मार्च को होगा, सातवें फेज का मतदान 7 मार्च को होगा, तो वहीं 10 मार्च को आएगा चुनाव का परिणाम। ये तो बात हुई मतदान की तारीखों की। 7 चरणों में होने जा रहे हैं चुनाव। कुल 403 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में हर एक चरण में कितनी विधानसभाओं में चुनाव होगा, इस पर भी आइए एक नजर डालते हैं। 10 फरवरी को 11 जिलों में 28 सीटों पर मतदान होने हैं। 14 फरवरी को 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होने हैं। 20 फरवरी को 16 जिलों में 49 सीटों पर मतदान होने, 23 फरवरी को 9 जिलों में 60 सीटों पर मतदान होने हैं, 27 फरवरी को 11 जिलों में 60 सीटों पर मतदान होने हैं, 3 मार्च को 10 जिलों में 57 सीटों पर मतदान होने हैं, 7 मार्च को 9 जिले में 54 सीटों पर मतदान होने हैं, 10 फरवरी को 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान होने हैं, 14 फरवरी को 9 जिले में 55 सीटों पर मतदान होने हैं, 20 फरवरी को 16 जिलों में 59 जिलों में मतदान होने हैं, 23 फरवरी को 9 जिलों में 60 सीटों पर मतदान होने हैं, 27 फरवरी को 11 जिलों में 60 सीटों पर मतदान होने हैं, 3 मार्च को 10 जिलों में 57 सीटों पर मतदान होने हैं, 7 मार्च को 9 जिलों में 54 सीटों पर मतदान होने हैं। पश्चिम यूपी से पहले चरण की शुरुआत होनी है। कुल 11 जिलों में होगा पहले चरण का मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। 3 विधानसभा सीटें कैराना, थाना भवन और शामली में होगा। 3 विधानसभा सीटें कैराना, थाना भवन, शामली का होगा। वही 6 विधानसभा सीटें बुढ़ाना, चरथवाल, पुरकाजी, एससी, मुजफ्फरपुर, खतौली, मीरापुर में होगा। 3 विधानसभा सीटें बागपत, छपरौली, बड़ौत में होगा। 7 विधानसभा सीटें मेरठ कैंट, मेरठ शहर, हस्तिनापुर, किथौर, सरथना, सिवालखास, मेरठ पश्चिम। वही 3 विधानसभा सीटें थोनाला, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर में होना है। 5 विधानसभा सीटें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर जिले में होना है। 7 विधानसभा सीटें सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई, खुर्जा में होना है। 5 विधानसभा सीटें छाता, माट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव पे होना है। 9 विधानसभा सीटें इम्तदापुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण में जिले में होने हैं। 3 विधानसभा सीटें नोएडा में होनी है, दादरी, जेवर, नोएडा। वही 11वां जिला 7 विधानसभा सीटों पर होगा, खैर, बरौली, अतरौली, कोयला, अलीगढ़, इगलास में होने हैं। कुल 9 जिलों में होगा मतदान। तो दूसरे चरण का मतदान 8 विधानसभा सीटें बिजनौर जिला, चांदपुर, नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, नूरपुर, नोएडा। तो वही चौथा जिला संबल 4 विधानसभा सीटें, 5वां जिला मुरादाबाद 6 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं।
तो वही दूसरे चरण का छठवां जिला रामपुर 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सातवां जिला बरेली 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। आठवां जिला बदायूं 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। नौवां जिला शाहजहांपुर 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरा चरण 14 फरवरी को मतदान होना है। दूसरा चरण कुल 9 जिलों में मतदान होगा। दूसरा चरण 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। पहला जिला सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। तीसरा जिला अमरोहा 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वही तीसरा चरण की बात करते हैं 16 जिलों की। तीसरा चरण 20 फरवरी को मतदान होने हैं। तो ये तीसरा चरण 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। पहला जिला कासगंज में 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। दूसरा जिला हाथरस जहां 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। तीसरा जिला फिरोजाबाद जहां 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वही चौथा जिला एटा जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पांचवा जिला मैनपुरी जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान है। छठवां जिला फरुखाबाद जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान है। सातवां जिला कन्नौज जहां 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नौवां जिला औरैया जहां 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वही तीसरे चरण का दसवां जिला कानपुर देहात है जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ग्यारहवां जिला कानपुर नगर जहां 10 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वही बारहवां जिला जालौन है जहां 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। तेरहवां जिला हमीरपुर जहां 2 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चौदहवां जिला महोबा जहां 2 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। तीसरे चरण का पंद्रहवां जिला झांसी है जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। सोलहवां जिला ललितपुर जहां 2 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। वही आठवां जिला इटावा जहां 2 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। वही चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। कुल 9 जिलों में होगा मतदान चौथे चरण का। 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होगा चौथे चरण का। पहला जिला पीलीभीत 4 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान होगा। दूसरा जिला लखीमपुर खीरी 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तीसरा जिला सीतापुर जहां 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चौथा जिला हरदोई जहां 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पांचवा जिला लखनऊ जहां 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा चौथे चरण का मतदान होगा। छठवां जिला उन्नाव जहां 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सातवां जिला रायबरेली जहां पर 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आठवां जिला फतेहपुर जहां पर 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नौवां जिला बांदा जहां 4 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान होगा। अब बात करते हैं पांचवें चरण की जो 27 फरवरी को मतदान होना है। पांचवा चरण कुल 11 जिलों में मतदान होगा। पांचवें चरण का कुल 11 जिलों में 60 सीटों पर होगा मतदान। पहला चरण श्रावस्ती जहां 2 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरा जिला बहराइच जहां 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तीसरा जिला बाराबंकी जहां 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चौथा जिला गोंडा जहां 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पांचवा जिला अयोध्या जहां 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। छठवां जिला अमेठी जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सातवां जिला सुल्तानपुर जहां 5 विधानसभा सीटों पर पांचवें चरण का मतदान होगा।
आठवां जिला प्रतापगढ़, जहां 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नौवां जिला कौशाम्बी, जहां 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दसवां जिला चित्रकूट, जहां 2 विधानसभा सीटों पर 5वें चरण का मतदान होगा। ग्यारहवां जिला प्रयागराज, जहां 12 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आइए बात करते हैं छठवें चरण की। छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। वही छठवां चरण कुल 10 जिलों में मतदान होगा। 10 जिलों की 57 सीटों पर छठवें चरण का मतदान होगा। 4 विधानसभा सीटों पर छठवें चरण का होना है। पहला जिला बलरामपुर में चुनाव होना है। दूसरा जिला सिद्धार्थनगर, 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तीसरा जिला महाराजगंज, जहां 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चौथा जिला कुशीनगर, जहां 7 विधानसभा सीटों पर छठवीं चरण का मतदान होगा। पांचवा जिला बस्ती, जहां 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। छठवां जिला संत कबीर नगर, जहां 3 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सातवां जिला अंबेडकर नगर, जहां 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आठवां जिला गोरखपुर, जहां 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नौवां जिला देवरिया, जहां 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दसवां जिला बलिया, जहां 7 विधानसभा सीटों पर छठवें चरण का मतदान होगा। बात करते हैं आखिरी 7वें चरण की, जो 7 मार्च को जिसका मतदान होना है। 7वें चरण का मतदान कुल 9 जिलों में इसका मतदान होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर 7वें चरण का मतदान होना है। पहला जिला आजमगढ़, जहां 10 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण का मतदान होगा। दूसरा जिला मऊ, जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तीसरा जिला जौनपुर, जहां 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चौथा जिला संत रविदास नगर, जहां 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। सातवां चरण, पांचवा जिला वाराणसी, 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। छठवां जिला मिर्जापुर, जहां 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। सातवां जिला गाजीपुर, जहां 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आठवां जिला चंदौली, जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नौवां जिला सोनभद्र, जहां 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो 10 मार्च को काउंटिंग होनी है, चुनाव खत्म होंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि यूपी का मुखिया कौन है, यूपी की सियासत की चाबी किसके हाथ जाएगी। त्रिशला यादव के साथ प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।